तो की हाल चाल दोस्तों, आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा मैच अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के बीच धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा चुका है, जहां बांग्लादेश की ओर से शानदार बॉलिंग देखने को मिली। इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। अफगानिस्तान की ओर से ओपनिंग करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, जहां अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद ही अच्छी रही। दूसरे और तीसरे ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 2 फोर लगाए। वहीं पांचवे ओवर में इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान की इनिंग्स का पहला सिक्स लगाया। वहीं आठवें ओवर में गुरबाज ने भी एक लंबा सिक्स लगा दिया, पर नौवे ओवर में अच्छा खेल रहे इब्राहिम जादरान 22 रन बनाकर आउट हो गए, जहां अफगानिस्तान का स्कोर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर्स के बाद। इसके बाद गुरबाज का साथ देने आए रहमत शाह, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच 36 रनों की पार्टनरशिप हुई, जहां 15 ओवर तक अफगानिस्तान का स्कोर था 83 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पर 16वें ओवर में रहमत शाह 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद गुरबाज का साथ देने आए कैप्टन हसमतुल्ला शाहिदी, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच 29 रनों की पार्टनरशिप हुई, जहां दोनों प्लेयर्स ने 29 रन तो बनाए पर 60 गेंदों में। अफगानिस्तान का तीसरा विकेट 112 रनों पर गिरा, जहां हसमतुल्ला शाहिदी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 26वें ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज भी आउट हो गए, जहां गुरबाज ने बनाए 47 रन। अफगानिस्तान का स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर 26 ओवर्स के बाद। गुरबाज के आउट होते ही अफगानिस्तान की इनिंग्स लड़खड़ा गई, जहां नजीबुल्ला जादरन 5 रनों पर, मोहम्मद दबी 6 रनों पर आउट हो गए। अफगानिस्तान का स्कोर 122 रन 6 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर्स के बाद। इसके बाद राशिद खान और अजमतुल्ला के बीच छोटी सी 28 रनों की पार्टनरशिप हुई, जहां अजमतुल्ला ने इस पार्टनरशिप में 3 फोर लगाए। जब अफगानिस्तान का स्कोर 150 रन था, तब राशिद खान 9 रनों पर, वहीं जब अफगानिस्तान का स्कोर 156 रन था, तब अफगानिस्तान के 3 विकेट गिरे, जहां अजमतुल्ला ने बनाए 22 रन, मुजीबुर रहमान ने बनाए 1 रन, वहीं नवीन उल हक 0 पर आउट हो गए और अफगानिस्तान की पूरी टीम 156 रनों पर ऑल आउट हो गई, वो भी सिर्फ 37 ओवर्स में। अफगानिस्तान की ओर से गुरबाज ने सबसे ज्यादा 47 रन, जादरान ने 22 रन, रहमत शाह और हजमतुल्ला शाहिदी ने 18-18 रन, नजीबुल्ला जादरान ने 5 रन, मोहम्मद नबी ने 6 रन, अजमतुल्ला ने 22 रन, राशिद खान ने 9 रन, वहीं मुजीबुर रहमान ने बनाए 1 रन और नवीन उल हक 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश की ओर से शकीब अल हसन और मेहदी हसन मिराज ने 3-3 विकेट लिए, शौरिफुल इस्लाम ने 2 विकेट, वहीं तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 1-1 विकेट लिया। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 157 रनों की जरूरत थी। 157 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी रही, जहां पहले 2 ओवर्स में बांग्लादेश के ओपनर्स ने 15 रन बना दिए थे।